मुझे फांसी नहीं चढ़नी, मुझे फांसी नहीं चढ़नी, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फांसी नहीं चढ़नी। ये कैदी रघुवीर सिंह था और जो डरावना सपना इसने देखा था बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होने जा रहा, क्योंकि लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी रघुवीर को राहत न देते हुए उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी थी। अब उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और उस पर बहुत जल्द फैसला आने वाला था। लेकिन आखिर ऐसा क्या किया था रघुवीर सिंह, ऐसा कौन सा संगीन अपराध हो गया था उसके हाथों जिसकी वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई गई? हमारे देश में फांसी की सजा बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन तुम्हें हुई है, कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूं मैं, कोई पागल होगा या दीवाना होगा जो जो खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर चढ़ना चाहेगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बहुत बुरी तरह से फंसाया गया, पता नहीं किस बात की सजा मिल रही। सब सिर्फ तमाशा देखने आ जाते, चाहे गांव वाले हो, सब सिर्फ अब जैसे अखबार वाले। मैं फांसी चढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है ये लिखने आ गई, क्योंकि इससे आपको बड़ी वाहवाही मिलेगी। लेकिन आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि असल में सच क्या है, कि मैं बेगुनाह हूं भी या नहीं। उषा नहीं जानती थी कि रघुवीर सच बोल रहा था या झूठ, लेकिन उसे रघुवीर की बातों में एक लाचारी बेगुनाही का एहसास हुआ और उसने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। हालांकि उषा का पति इसके बेहद खिलाफ था, इसके बावजूद उषा इस मामले की छानबीन करने रघुवीर के गाँव जा पहुंची। सज्जन सिंह, चाह पे जी जरा। आप लेंगी? नहीं, चाह पे जी। हाँ जी, बताइए। मेरा नाम उषा है, दिल्ली से आई हूँ, अखबार से हूँ। रिपोर्टर है जी आप, बताइए जी क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मैं रघुवीर सिंह के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ, बस आप मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो जी हम तो बैठे ही कोऑपरेशन करने के लिए हैं, और फिर जनता की सेवा करना तो हमारा काम है। बताइए बंदा क्या मदद कर सकता है आप? मुझे रघुवीर सिंह की पूरी हिस्ट्री चाहिए। वो तो जी आपको केस फाइल में मिली जानी है, पर मैडम जी आप इतना जान लीजिए कि इस रघुवीर सिंह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार तब आया था जब ये 14 साल का था। मैनू फेल करेगी, कर फेल। ये देखो बहन जी कितनी जोर से मारा था, अब तक निशान है, 15 साल हो गए हैं इस बात को। हुआ क्या था, थोड़ा खुलकर बताएंगे प्लीज? बात तब की है जब रघुवीर सिर्फ 14 साल का था, 9वीं कक्षा में था वो, और मैं उसकी कक्षा की क्लास टीचर थी। 9वीं की छमाई का एग्जाम का रिजल्ट आया था और वो निगोड़ा फेल हो गया। उसके बाद मैं जैसे ही स्कूल से बाहर निकली तभी वो मैनू फेल करेगी, कर फेल। दरोगा साहब गुस्से में ऐसा कर दिया उसने, माफ कर दीजिए, इसे बच्चा है अभी वो। ये बच्चा है? और बच्चे जैसा बच्चा क्या है इसमें, क्या है? और देख टीचर जी का क्या हाल किया है, इसे तो सुधार गृह भेजना ही पड़ेगा। ना जी ना, आप तो समझदार हो, सुधार गृह में सुधरा है कोई आज तक? मैडम जी माफ कर दीजिए इसे, आप रिपोर्ट वापस कर लीजिए। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है मैडम। अब देख लो क्या भविष्य बनाया मुंडे ने, फांसी पे चढ़ने जा रहा है अब वो। उषा ने जब रघुवीर का इतिहास खंगाला तो पाया कि वो बचपन से ही बेहद गुस्सैल स्वभाव का था, बहुत जल्दी आवेश में आ जाता था। जब वो 14 साल का था तब उसने अपनी टीचर का सर फोड़ दिया। माता पिता के समझाने पर टीचर ने पुलिस में उसके खिलाफ की गई रिपोर्ट वापस ले ली। लेकिन क्या 14 साल में हुई एक घटना की वजह से किसी को आदतन मुजरिम घोषित किया जा सकता है? यही सवाल उषा के मन में भी था, इसीलिए वो और जानकारी इकट्ठा करने रघुवीर के पिता के पास पहुंची। अब क्या बताएं बेटा, मीडिया भी अब जाकर जागा है, अगर आप लोग पहले सुध ली होती तो शायद मेरा बेटा बच जाता। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा बेगुनाह है। माना कि वो बचपन में गुस्साइल था, लेकिन क्या गुस्साइल बच्चा किसी की जान ले सकता है? बेटा मेरे बेटे को बचा। प्लीज आप रोइए मत आंटी, प्लीज।
देखिए, अगर आपका बेटा निर्दोष है तो उसे सजा नहीं होगी, विश्वास रखिए। जी हीरा है जी साडा रघुवीर, बस थोड़ा मुंह फट है, जो मुंह जांदा बोल देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हत्यारा है जी। ओ बीबी, वो हरदयाल कुछ कम नहीं था, बड़ा लड़ाका बंदा था, उसका किसी के साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं था, लड़ता ही रहता था हमेशा। हरदयाल से कुछ जमीन का मामला चल रहा था हमारा, उसके चलते उसके ऊपर शक गया और उसे खूनी साबित कर दिया। हरदयाल के परिवार वालों ने पैसे खिलाए हैं उन पुलिस वालों को। उन दोनों के बीच में कुछ जमीन का मामला भी चल रहा। दरअसल ये जमीन का मामला इस हद तक पहुंचा था कि मामला शुरू हुआ था 7 साल पहले। रघुवीर सिंह बेरोजगार था, इसलिए उसके माँ बाप ने बाजार में उसे एक छोले कुलचे की थड़ी खोपा। हरदयाल सिंह की बहन वहाँ अक्सर खाने आया करती, मैं खुद उस दिन वहाँ था। कितना हुआ जी? आपसे क्या पैसे लेना, कुलचे और गर्म कर दूं? नहीं नहीं बस हो गया। पैसे कितने हुए जी? 66 हुए। मेरे पास खुले नहीं है। तो कोई गल नहीं, आप 85 दे दो, आप तो अपने ही हो। देख इतनी होशियारी मत कर, ये पकड़ 100 रुपए। रघु आए, ओ रघु, ओ बाहर आए, ये बहन छेड़ता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो की होया? हां हरदयाल, इतना लाल पीला क्यों हो रहा है तू? लाल पीला क्यों हो रहा है? तुम्हारे पुत्र ने मेरी बहन छेड़ा है बाजार में। ना हो ना, गलतफहमी हुई होगी तुझे हरदयाल। मेरी बहन झूठ बोल रही है। ठंड रख, अभी बुलाता हूँ उसको। बुलाओ उसको। रघुवीर पुत्र, और बाहर आना ही। जी बाबूजी, की होया? की होया? तूने मेरी बहन छेड़ा बाजार में। सरदार जी, मैं क्यों छेड़ूंगा आपकी बहन को? उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे तो मैंने मदद कर दी जानकार की बहन समझ के। अरे बहुतों की जानकारी, ज्यादा होशियार ना बन। अब ये तो जानकारी निकालने की कोशिश की ना तो तेरी जान निकाल देनी मैंने। ओए समझा लो, सुनो, की जरूरत थी तूने लड़की से बात करने की? कमाल है जी, मदद भी नहीं कर सकते आप। चुप कर रहे, मदद कर रहा था। आप इसे क्यों डांट रहे हो? अरे ये हरदयाल तो है ही लड़का, जब भी देखो किसी से झगड़ा करता रहता है। अच्छा हुआ फौज में नहीं है, नहीं तो हर दिन जंग कराता वो। आ जाते सवेरे सवेरे मुंह उठा के। चल पुत्र, ये बात तो ये सिलसिला ही बन गया बेटा जी। हरदयाल हर बात पे, छोटी सी छोटी बात पे रघु को धमकाने लगा। अब कुछ दिनों बाद हरदयाल के खेतों में किसी ने जानवर छोड़ दिया, उसका इल्जाम भी उसने रघु पर लगाकर उसे थाने में जाके उसके नाम का मुकदमा भी दायर कर दिया। अब बताइए ये कहाँ की शराफत है? बेटा जी, एक दिन हरदयाल और उसकी फैमिली का किसी ने कत्ल कर दिया, लेकिन उसका इल्जाम भी मेरे बेटे रघुवीर पे लग गया और उसको पुलिस पकड़ कर लेके गई उसी जेल में। हरदयाल की फैमिली बहुत पैसे वाली, मुझे तो लगता है उन्हीं लोगों ने पैसे खिला के मेरे। पुलिस वालों ने मेरे बेटे को हरदयाल के अंतिम संस्कार में ही पकड़ा था। आप ही बताइए मैडम जी, अगर मेरे बेटे ने खून किया होता तो वो हरदयाल के अंतिम अरदास में आता क्या? ये सब मेरे बेटे को फंसाने की साजिश है। ओ मैडम जी। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। आइए मैडम जी, आइए बैठिए। थैंक यू। और मैडम जी, कैसी चल रही है आपकी तहकीकात? रघुवीर के घर वालों से तो मैं मिल ली। अच्छा जी, लेकिन हरदयाल के घर वालों में से किसी से बात नहीं हुई, आप उसका एड्रेस देंगे प्लीज? ओ मैडम जी, हरदयाल की फैमिली में अब कोई बचा ही नहीं। मेरा मतलब वो जी यहाँ पे अपने पिता बीवी बच्चों के साथ में रहता था और पेंट के साथ में रहता था। उसकी माँ और उसके जो भाई हैं वो दूसरे पिंड में रहते हैं। वो जी शहर पास है तो बहन उसी के साथ में रहती थी, कॉलेज आने जाने में आसानी होती थी। जी एक दिन रात को रघुवीर ने यहाँ मौजूद सारे सदस्यों का कत्ल कर दिया। किस्मत से माँ और बहन बच गई जो अब अपने हरदयाल के दूसरे भाइयों के साथ में रह रही हैं। तो फिर आप एक काम कीजिए ना, मुझे उसके भाई का एड्रेस दे दीजिए। हाँ वो मैं दे सकता हूँ जी आपको। ओ सज्जन, और दयाल के केस की फाइल लाई। अभी लाओ जी। नमस्ते, सिमरन जी का घर यही है? यही है। आप? मैं उषा, दिल्ली से आई, अखबार से सिमरन जी से मिलना चाहती हूँ।
आओ। ए लो जी, लस्सी पियो और समोसा खाओ। की क्या जरूरत थी? ए लो, जरूरत कैसे नहीं थी जी, मेहमान भगवान समान होता है हमारे यहाँ। लो जी लो, खाओ, गर्मी बहुत है। थैंक यू। और जी, कैसे आना हुआ? जी मैं यहाँ पे हरदयाल जी के केस की तफ्तीश के लिए आई। तफ्तीश कैसी? सब तो हो गया, हंसी चढ़ेगा सुअर। और कोर्ट ने भी उसे मौत की सजा सुना दी है। मैं भी इसीलिए आई हूँ यहाँ। देखिए, मैंने बहुत से लोगों से बात की और मुझे लगता है कि वो निर्दोष है। हो सकता है कोई चूक हुई हो, अक्सर केसेस में ऐसा हो जाता है। लस्सी रख। जी? लस्सी रख और निकल जहाँ से। वीर जी, तुम लोग क्या कह रहे हो? ओए, तू चुप कर और इससे लस्सी लेके जा, चल। क्या हुआ अचानक आप लोग? अचानक नहीं बीबी जी, चलो निकलो यहाँ से। मेहमान को भगवान समझते हैं, ऐसा ना हो कि हमसे कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इंसाफ हो जाए। इंसाफ हो गया, ना कोई होगी अदालत और ना ही कोई वकील दलील। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नमस्ते भाई साहब। जी मैं दिल्ली से आई हूँ, अखबार के ऑफिस से हूँ। अब आप लोगों से कुछ जानना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि जो आपके गांव में हरदयाल जी रहते थे। कोई कुछ नहीं बोलेगा इससे। थैंक यू। समझाने, अपने काम से काम रख और इस मामले में टांग मत अड़ा। फिलहाल तो इस मामले में टांग अड़ाना ही मेरा काम है, समझे? लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन में तुम टांग अड़ा कर ठीक नहीं कर रहे हो। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। एक फिर से समझा रहा हूँ, वापस लौट जा, नहीं तो हमारे पास ना तो बंजर जमीन की कमी है और ना ही नहरों की। कहाँ दफना दी गई और कहाँ डूब गई पता भी नहीं चलेगा। काम है ये मेरा, रोज ऐसी गीदड़ भक्कियां मिलती है मुझे, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, समझे? तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहना। समझना क्या है खुद को। हेलो, पुलिस स्टेशन। आओ जी मैडम, आओ। आओ भाई। आप लोग यहाँ? हाँ जी, हम लोग यहाँ। मैडम जी ने कंप्लेंट करी है। धमकाते हो हैं? जान से मारने की धमकी देते हो? हाँ जी मैडम जी, पहचानो कौन था इनमें से? ये बहुत बड़ा पहलवान हो गया तो पिंड का है भाई, हैं? धमकियां देंदा है, लेके चला इन्हें थाने। सर, मैंने कहा था इससे, डरती नहीं हूँ, काम की है मेरे, रोज ऐसे लोगों से पाला पड़ता है। एनीवे, तुम लोगों ने मुझे धमकाया लेकिन मैं आराम से समझा रही हूँ, समझ लो। अगर आप लोगों को मुझसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन मेरे काम में अड़ंगा मत डालिए। आई गेस हम सबके लिए यही अच्छा होगा। नहीं मानेगी ये कुड़ी, नहीं मानेगी। यस सर, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है,
आई थिंक अब हरदयाल के घर वाले कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। सर पता है, मुझे लगता है रघुवीर निर्दोष है और हमारे लिए ये स्टोरी बहुत बड़ी साबित होगी। थैंक यू सर। जी सर, मैं ये बता रही थी कि हरदयाल, हेलो हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज कहाँ से आएगी मैडम, जब डोर ही काटती। ये क्या कर रहे हो पाजी? ओए अपना काम करो। ए मानोगे नहीं ना तुम लोग, बड़ा भाई तो गया है अंदर, तुम्हें भी जाना है। देख कर तो तुझे अब हम चाहिए। क्या मतलब? मतलब भी समझा दे। क्या चाहिए तुम लोगों को? देखो मैं रिपोर्टर हूँ, हाँ, पुलिस छोड़ेगी नहीं तुम्हें। चुपचाप हमारे साथ चलती है या हम जबरदस्ती करें? ओए पकड़ो उसे। लाए हो मुझे? हाँ देखो, मेरे बॉस को पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। बचोगे नहीं तुम लोग, सब समझती हूँ मैं। तुमने पहले अपने भाई हरदयाल को मारा, फिर रघुवीर को फंसाया, और अब जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी तो मुझे यहाँ पकड़ के ले आए मारने के लिए। क्यों लाए हो मुझे, बोलो क्यों लाए हो मुझे? मैंने बुलाया है तुझे। पानी देना। पी ले। क्यों कर रही हैं आप ये सब? हाँ क्यों फंसा रहे हैं आप सब लोग रघुवीर को? क्यों चाहते हैं आप लोग कि उसे फांसी हो जाए? क्यों बोलो, गॉड सेक टेल मी, क्यों? क्योंकि वो कातिल है, मेरे बेटे का, मेरे पति का, मेरे बहू, मेरे पोता और पोते का। अगर उसे सजा नहीं मिली तो मेरे बेटों में से एक उसका कातिल जरूर बनेगा। अगर ऐसी बात की तो आपने मुझसे पहले बात क्यों नहीं बताया मुझे ये? इसलिए कि वो सारी बात याद करके मेरा कलेजा फट पड़ता है। मेरा दिल करता है रघुवीर को अपने हाथ से मौत की नींद सुला दूं। तू सुनना चाहती है ना, तो सुन। वो मेरी बेटी संध्या के पीछे पड़ा था, हरदयाल ने उसे बहुत समझाया, धमकाया भी, पर वो नहीं माना। और एक दिन, हेलो, अरे मैं क्या संध्या बीबी? उस दिन मेरे वीर ने तुझे मिट्टी चटाई थी, भूल गया क्या? ये आप नाराज क्यों हो रही हो? आपके लिए कोई पार्सल छोड़ गया था, मैं तो बस वही दे रहा था। मैंने तो सोचा था शहर में आके कुछ पढ़ लिख लेगी, यहाँ पे तो ये रंग दिख रहे,
इस बारे में इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। हाँ कोई जरूरत नहीं है, सारी कालिस्तानी रघु दी है। हाँ मानेगा नहीं वो, मैं छोड़ना नहीं उसने, देखता हूं मैं। कुछ नहीं कहता, वो पैकेट मैंने करतार सिंह ने दिया था। सुन लिया हरदाल, अब करतार से जाके पूछेगा तू क्यों किया उसने ऐसा। देखता मैं करतार नू अब। ओए हरदाल की होया, तू अपने गुस्से पे ठंड नहीं रह सकता। ओहो लगी तुम्हें खबर, तुम्हारे पुत्र दे कुकर्मा दी है? पहला था संस्कार दीते नहीं, हूं माफी मांगने आए थे। वो मैं माफी मांगने वास्ते नहीं आया तेरे से, मैं ये कहने वास्ते आया हूँ कि करतार चार दिन से शहर से बाहर गया था पुलिस के फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। वो तेरी बहन नु कैसे लेटर देगा? अगर मेरी बात के यकीन नहीं है तो पिंड के और भी छोरे साथ में गए थे, तू उनसे पूछ ले। तेरे काम कीता किसने? और वह करता रे, हरदयाला मारता बहुत, बड़ा दम है इसके हाथों में, मुझे भी बड़ी मार मारी इसने। ओ यार तू भी कमाल करता है एकदम करता रे, हरदयाल सिंह की बहन को पटाएगा। बड़ा नैन मटक्का चलता तेरा उसके साथ, समझाया था ना मैंने तुझे कि वो साड़ी है संध्या रघुवीर की है, कितना समझाया थे? लेकिन तू नहीं मान। अब देख ले तेरा ब्याह तो उस घर में होने से रहा। करतार मैंने एक गल दस, कैसा लगा अपने साले के, मेरा मतलब है मेरे साले के हाथों से मार खाके कैसा लगा तुझे है? पता आया इसी हाथ से लड़की का हाथ पकड़ के घूमता था ना तू? अरे मैं तो घर बिजी। फोन तो उठाना ना, मैं तो फोन करे जा रहा हूँ, तो फोन उठा रही हूँ। अब कान खोल के मेरी गल सुन, संध्या और मेरे रास्ते विच ना आ, समझा? उषा ये सब सुनकर बेहद हैरान थी। जिसे वो भोला भाला समझ रही थी वो रघुवीर दरअसल बेहद ठंडे दिमाग से काम करने वाला एक शातिर अपराधी। दरअसल उसने चाल चलकर करतार को पिटवाया था। उसे लगा था ऐसा करके हरदयाल के मन में उसके लिए इज्जत पैदा हो जाएगी और वो इस बात का फायदा उठा लेगा। और वो ये नहीं जानता था कि हरदयाल करतार के पिता से पहले ही मिल चुका था और जानता था कि करतार बेकसूर है। लिहाजा करतार के पिता और हरदयाल सिंह ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया और पुलिस ने अगले ही दिन रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया। देख भाई रघु, बेल तो तेरी हो गई है, और मेरी एक बात कान खोल करके ध्यान रख, ये आज के बाद में हरदयाल के घर के आस पास भी फटका ना, अंदर डाल देना वापस। मैंने कानूनन पाबंदी हैगी तेरे दे, समझा लेना वकील साहब इसको। आप चिंता ना करो सर जी, मुंडा पैसा कुछ नहीं करे। तो वही ठीक भी रहेगा इसके लिए। पर वो बदनियत बाज नहीं आया, इंस्पेक्टर के चेतावनी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा ही रहा। और फिर उसने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए हमारे खेत में जानवर छोड़ दिया। लगता है जानवर घुसे हैं। पर ऐसा हुआ कैसे? आसपास कोई चरागाह भी नहीं है, तो जानवर कहां से आ गए? वैसे कमाल तो ये है कि आसपास के खेत में तो नहीं घुसे, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे ये पास वाला खेत किसका है? कमीनेदा साला रघुवीर। सात श्री अकाल सरदार जी, मतलब कमाल है सरदार जी, नानू पाबंद कर दिया और खुद ही मेरे खेत के पास टहल रहे हो। आजकल गाँव में जानवर बड़े हो रखे हैं, देखो कैसे सारी फसल बर्बाद कर डाली। अच्छा सरदार जी मैं चलता है, कुछ जरूरी काम है मैनू। किसान के लिए उसकी फसल अपनी औलाद से कम नहीं होती, और अगर कोई उसकी फसल उजाड़ दे, उसे बर्बाद कर दे, तो उसका गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन हरदयाल सिंह को कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने मामले का खुद निपटारा करने के बजाय पुलिस की मदद लेना ज्यादा बेहतर समझा। कितनी मेहनत लगती है फसल बोने में, किसान की औलाद की तरह होती है फसल,
बनके मुंडे ने सारी खराब कर दी। दरोगा साहब गुस्से में कर दिया उसने है सब। गुस्से में? ओए जब वो 14 साल का था ना तब से देख रहा हूँ उसका गुस्सा में। ओए गुस्से में वो फसल खराब कर देगा, कल को उसे ने किसी की जान ले लेनी है, तूने तो फिर आ जाना रोते रोते किसी गुस्से में जान ले ली। ओए जप शप कराओ थोड़ा मुंडे को। ओए आज तो अपराधी हो गया मुंडा थोड़ा। कानून ने पाबंद कर रखा है फिर भी हरकत देख लो मुंडे की। ओए हरदयाल तू ठंड रख, मुआवजा देने को तैयार हूँ मैं तुझे, जो तू बोलेगा मैं दूंगा। ओ मालको एक बार माफ कर दो मुंडे नू, मैं कहीं और भेज दूंगा उसे यहाँ से। ओ हरदयाल माफ कर दे उसे। मैंने ही हरदयाल को समझाया था कोर्ट कचहरी के झंझट में मत पड़ना, मुआवजा ले और बात खत्म कर। उसने भी मेरी बात मान ली, मुझे लगा अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो मेरा बहन था। उसके बाद 2-4 हफ्ते तो ठीक गए, पर फिर एक दिन जब मैं और मेरी बेटी बाहर गई थी, हरदयाल नाथ जी आपका दमाद हूँ, सेवा करने वास्ते आया हूँ। दमाद? ओए केड़ा दमाद? तो मुझे नहीं पहचाना पापा जी। तो जी मैं रघुवीर आपकी बेटी नाल व्याह करने वाला हूँ मैं। फसल तो कुछ ना थी पापा जी, असली फसल तो आज कटेगी। बीज तो गए, अब जाएंगे फल, एक एक करके कटेंगे यार, एक एक करके। मेरे घर में कैसे गुस्सा? तू बाज नहीं आएगा, पर ये तरीका अपने चीचे नाल बात करने का? आज नहीं बजता तू। मैं गुस्सा अच्छा नहीं होता हरदयाल, मुझे पीटेगा बीच बाजार में सबके सामने, मुझे पीटेगा तू, मुझे जेल भिजवाएगा। अब देख तेरा काम खत्म हो गया। ओए कौन है तू? छोड़ मुझे। और यहाँ क्या कर रही थी रात को? मैंने माफ कर दो परजाई जी, मैंने प्याजी को मार दिया परजाई। तू पागल हो गया? ये क्या बकवास कर रहा है? कितने सोते थे पापा? जानू के पापा! मैंने मालूम है आप जिंदा नहीं रह सकती ना उनके बिना।
अब तो कभी मैं उनके पास ही भेज दूंगा। करना मत अब, करना मत। मेरे परिवार के अंतिम अरदास में भी वो आया, वही पकड़ा गया। एक रात में उसने मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। मेरा बेटा, मेरे पति, मेरे बहू, पोता पोती, सबको मार डाला उसने। जब ये बात संध्या को पता चली, तब से वो सदमे में है, ना कुछ बोलती है ना जवाब देती है। अब बताओ क्यों ना मिले उसे फांसी, बताओ क्यों? अगर अब भी आपको रघुवीर बेगुनाह लगता है तो जो चाहे कीजिए, पर इतना याद रखना कि अगर वो छूट गया तो हम में से कोई एक कातिल जरूर बन जाएगा। मानवाधिकार आयोग मृत्युदंड के सख्त खिलाफ, और हमारी न्यायपालिका भी सजाए मौत बामुश्किल ही किसी केस में देती है, क्योंकि एक इंसान की जान लेना दूसरे इंसान का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स वहशीपन की हदें पार कर जाए, मानवता की सारी सीमाएं लांग जाए, दूसरे इंसान के जीने के अधिकार का सम्मान ही ना करे, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल जितना बड़ा है उस पर बहस भी उतनी ही बड़ी है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की श्रेणी में ऐसे अपराधियों के लिए सजाए मौत पर बहस की जाती है जिनका जीवित रहना सामाजिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, जो सामान्य मानसिक हालत में बिना उकसाए हो क्रूरता की परिभाषा के बाहर जा चुके हो, जिनके सुधार की कोई भी गुंजाइश ना। रघुवीर सिंह के केस को ऐसे ही केसेस की श्रेणी में रखा गया। उषा अब समझ चुकी थी कि ऐसे अपराधी किसी भी दृष्टि से कानूनी रहम के काबिल नहीं है। अब वो बस एक आखिरी बार रघुवीर से मिलना चाहती थी। अरे आज के दिन उदास नहीं होते, मुंह लटकारा क्यों है? जन्मदिन है तेरा आज, ले ले खा ना। खा? तू चिंता बिल्कुल ना कर, कुछ नहीं होगा तुझे। अगर सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनी ना तो राष्ट्रपति तक जाएंगे हम। हाँ और वीरे, तेरी वजह से ना आसपास के गांव में अच्छी धाक जम गई है हमारी। अब तो कोई हमारे परिवार की तरफ मुंह उठा के नहीं देखता, अब अच्छी खासी चल रही है हमारी। और तू फिक्र मत कर, बाबूजी ठीक कह रहे हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। चले पुत्र, तू भी का। जो इंसान जेल में सजाए मौत का इंतजार कर रहा हो, उसका पिता उसके जन्मदिन की खुशियां मना रहा था, ये कैसी खुशियां थी, कैसी मानसिकता है, हैरानी होती है। पर एक हकीकत ये भी है कि अपराधी अपराध करके जेल जाता है और उसके इलाके में उसका डर अपने पांव पसारने लगता है। दरअसल रघुवीर के पिता रघुवीर की वहशत से कायम उस डर की खुशियां मना रहे थे जिसका नाजायज फायदा या तो वो उठाना चाहते थे या फिर उठा रहे थे। उषा ये सब देखकर बेहद दुखी हुई। तू भी का? ले लो बाबूजी, तुझे डब्बा ही पकड़ा दियो मेनू ता। मैडम जी, कुछ बात बनी क्या? आपको विश्वास हो गया ना कि अब मैं बेकसूर हूं? महसूस हुआ? आज मुझे महसूस हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती की जो मैंने तुझ जैसे आदमी के लिए स्टैंड लिया। तुम जैसे इंसान को तो इस समाज में रहने का हक ही नहीं है, और अगर मेरे बस में होता ना तो फांसी से कोई बड़ी सजा देती तुझे। उषा ने सच जानकर जज्बात में ये सब कुछ कह दिया, लेकिन अदालत के लिए जज्बात नहीं, कानून मायने रखता है। रघुवीर सिंह के केस में फाइनल जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला सुनाया गया। तमाम सबूतों, दलीलों और गवाहों पर फिर से विचार करने के बाद ये बेंच इस नतीजे पर पहुंची है कि रघुवीर सिंह का गुनाह रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। कई मौके मिलने के बाद भी रघुवीर सिंह ने सुधरने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि हर बार एक अजीम गुनाह को अंजाम दिया। ठंडे दिमाग से बहुत सोच समझ कर उसने 5 लोगों की निर्मम हत्या की। इस अपराधी में सुधार की कोई गुंजाइश कोर्ट को अब नजर नहीं आती। रघुवीर सिंह जैसे अपराधी देश, समाज और यहाँ के नागरिकों के लिए एक खतरा है। सभी मुद्दों पर बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हाई कोर्ट का फैसला बहाल रखा जाए
रघुवीर सिंह को फांसी दी जाए, हैंग किल डेथ। ये केस एक सबक है अपराधियों के लिए कि उनके पास कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं, और हमारी न्याय व्यवस्था ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस केस की तर्ज पर आगे चलकर कई अहम मुकदमों में सजाए मौत का फैसला सुनाएगा। हालांकि ये बहस अब भी जारी है कि हमारे देश में मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए या नहीं। आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 97 देशों में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है, और भारत समेत 58 देशों में इसका प्रावधान है। पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें। मृत्यु दंड की हिमायत करने वाले उन देशों का उदाहरण देते हैं जहाँ ये सजा मान्य है, और विपक्षी कहते हैं मानवाधिकार और भावनाओं के आधार पर इसे खारिज कर देना चाहिए। बहस के लिए दोनों आयाम खुले। अब रघुवीर सिंह जैसे अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि हर अपराधी को उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और अनूठे केस के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, सौ फाइटर्स। तो सावधान।